नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी। आज मैं आप सबको राजस्थान के एक महान राजा की कहानी सुनाऊंगी, जिनका नाम है महाराणा प्रताप। नहीं, मगर आज की कहानी महाराणा प्रताप के समय की ही है। आज की कहानी के महापुरुष हैं दानवीर भामाशाह। ये नाम तो मुझे सुना सुना लग रहा है, पर इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता। कौन है वे, कहाँ के राजा थे? भामाशाह स्वयं राजा नहीं थे, बल्कि रणथंभौर के किलेदार के पुत्र और महाराणा के सलाहकार थे। उनका परिवार राजस्थान के अति समृद्ध परिवारों में से एक माना जाता था। तो अब कहानी शुरू करूं? हाँ दीदी। ये कहानी उस समय की है जिन दिनों चित्तौड़ के महाराणा प्रताप निरंतर शत्रुओं से युद्ध कर रहे थे और मुगलों के कहर से अपने राज्य को बचाने की दौड़ में लगे रहते थे। और इसी कारण महाराणा प्रताप का राज्य खजाना एकदम खाली पड़ गया था। जिस राज्य का खजाना किसी जमाने में सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ करता था, वहाँ अब एक कांसे का सिक्का भी नहीं बचा था। दीदी, फिर तो युद्धों के लिए सेना और हथियारों का प्रबंध कैसे होगा? सही बोले महाराज। राणा प्रताप भी इसी बात को लेकर चिंतित थे और इसका कोई हल सोचने में लगे हुए थे। तभी मेवाड़ के दानवीर भामाशाह महाराज दरबार में आए और बोले, महाराज की जय हो। महाराज, आज मैं अपने पूर्वजों के काल से संचित हुई बहुत बड़ी धनराशि लेकर आया हूँ। राज खजाने की हालत सुनकर ये पूरी धनराशि आपके चरणों में रखकर आपको भेंट करना चाहता हूँ। इस पर प्रताप बोले, हम ये सुनकर बेहद प्रसन्न हुए मित्र, परंतु हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। एक राजा का काम होता है अपनी प्रजा की देखभाल करना व उसके हित का ध्यान रखना, ना कि उसकी धनराशि राज कार्य के लिए प्रयोग करना। क्षमा कीजिएगा, परंतु हम ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु महाराज, मेवाड़ पर संकट के बादल छाए हुए हैं। विपत्ति के समय हम लोग आराम का जीवन बिताएं, ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। यह सब धन आपका ही है और आपकी धरोहर ही है, आपको ही सौंप रहा हूँ। हथियार धारण करके मैं खुद तो युद्ध में जा नहीं सकता, इसीलिए इसी प्रकार अपने ऊपर से मातृभूमि का कर्ज उतार रहा हूँ। इस धन को स्वीकार कर मुझे भी मातृभूमि की सेवा करने का अवसर दे महाराज, मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। भामाशाह भावुक होकर बोले। भामाशाह का राष्ट्र के प्रति प्रेम और निस्वार्थ भावना देखकर महाराणा तुरंत अपनी राजगद्दी से उतरे और दौड़कर उन्होंने भामाशाह को गले लगा लिया। अच्छा, तो मतलब भामाशाह ने इतने वर्षों से कमाई हुई अपनी संपत्ति और पूर्वजों द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन सब का सब दान कर दिया। हाँ, कहा जाता है कि भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति से इतना दान दिया कि जिससे 24,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। और फिर क्या था, प्राप्त सहयोग से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ। उन्होंने पुनः सैन्य शक्ति संगठित कर मुगल शासकों के विरुद्ध दानवीर भामाशाह का नाम लेकर युद्ध में उतरे। इस युद्ध में मुगल पराजित हुए और फिर से चित्तौड़ तथा मांडलगढ़ के अतिरिक्त समस्त मेवाड़ पर भगवा ध्वज लहराने लगा। चारों ओर जीत की खुशी थी और युद्ध में जीते गए धन से महाराज ने भामाशाह को बहुत बड़ी भेंट भी दी। इस प्रकार भामाशाह का सरकारी खजाने को विपत्ति के समय किया गया दान भारत के इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। वाह दीदी, भामाशाह तो सचमुच देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त महापुरुषों में से एक हैं। इनकी कहानी हमें सुनाने के लिए धन्यवाद दीदी। एक और रोचक तथ्य बताऊं आपको, आबू पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर भी भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने बनवाए थे। अच्छा, तो बच्चों बताओ, क्या सीख मिली आपको आज की कहानी से? यही
कि दानवीर भामाशाह की तरह हमें भी अपने स्वयं के हित से ऊपर उठकर राष्ट्रहित पहले सोचना चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अपनी जीवन भर की मेहनत या जीवन भी न्योछावर करना पड़े। बिल्कुल ठीक। तो इसी सीख के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।